हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं BCOC 137 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप। अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट इससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा हमारे चैनल के बारे में कि आप चाहें तो हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं, जहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। मैं एक एक करके आपको सबसे पहले बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये जो बेल आइकन है उसे दबाना है, ताकि आप सब्सक्राइब्ड हो जाओ, किसी भी तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। इसको दबा लेने के बाद आपको यहाँ पे एक ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इस तरह से एक वेब पेज खुलेगा, एक तरह से पॉपअप निकल करके आएगा। यहाँ पे इग्नू बीकॉम लिखा हुआ है, देखो इस पे आना है आपको, और उसके बाद इस ज्वाइन वाले बटन को क्लिक करके हमारा एक छोटा सा मेंबरशिप फी है, जो कि आपको इसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेगी दोस्तों, आपको यहाँ पे असाइनमेंट्स मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको बहुत ही सस्ते दामों पे नोट्स मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए। अगर आप थ्रू आउट द ईयर स्टडी नहीं कर पाते हो ड्यू टू एनी रीजन, आप जॉब करते हो या कुछ और भी रीजन है, तो उस केस में आपको नोट्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसको फटाफट पढ़ के आप एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाओ, राइट। सो ये चीजें आपको हमारे पास से बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7। मतलब जिस तरीके से आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ट्यूशन के माध्यम से, उसी तरीके से हम भी आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे एट अ वेरी लो कॉस्ट। 119 रुपीज सिर्फ लग रहे हैं, ज्यादा नहीं है। ट्यूशन अगर आप पढ़ते हो तकरीबन आपको 1000 रुपीज 1500 रुपीज पर मंथ आपको पड़ जाते हैं, और यहाँ पे सिर्फ 119 रुपए ही लगने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये मैं बताना चाह रहा था। इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको स्टडी करनी है हमारे चैनल पे, तो सबसे पहले हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आइए। ये हमारा चैनल है, यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले पे आपको क्लिक करना है, नीचे की तरफ आना है, इग्नू बीकॉम न्यू देखो लिखा हुआ है, यहाँ बीकॉम ओल्ड है, यहाँ बीकॉम न्यू है। बीकॉम न्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है, आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सारे के सारे प्लेलिस्ट यहाँ पे खुल करके आ जाएंगे। यहाँ प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है ना। अभी थोड़ी वीडियोस आपको कम दिख रही हैं, बट बाय द टाइम जब आप इस वीडियो को देखोगे, एक बार चेक करना, हो सकता है तब तक बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी होंगी, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सारे वीडियोस को देखें, ताकि आपको एग्जाम के प्रिपरेशन जो है वो ठीक तरीके से हो पाए, ठीक है ना। तो चलिए फिर हमारे आज के टॉपिक की तरफ लौट चलते हैं, जो कि हमारा होने वाला है कितना चला गया ओए, यस। सो द टॉपिक इज डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप। तो ये 137 में आपको बता रहा हूँ, BCOC 137, ठीक है। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात बोला गया है कि दोनों में जो डिफरेंस होता है वो उसका बेसिस क्या है। सबसे पहला बेसिस ऑफ कंपेरिजन है फॉर्मेशन। तो कंपनीज एक्ट जो होता है वो कंपनी जो होता है वो कंपनीज एक्ट के तहत जो है बनाया जाता है, या फिर उसको रजिस्टर किया जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 लेटेस्ट है, बट उसके पहले भी बहुत सारी कंपनीज आई हैं, उनके लिए भी एक सेपरेट एक्ट हुआ करता था। कंपनीज एक्ट 1956 है, जो कि आजादी के बाद बना, आजादी के पहले भी कंपनीज एक्ट था। तो किसी भी एक अगर कंपनीज एक्ट में आप अगर रजिस्टर्ड हो, तो हम उसे कंपनी बोलेंगे। पार्टनरशिप क्या बोलेंगे? Created by agreement between partners, registration is not compulsory under Partnership Act, है ना? तो Partnership Act के तहत एक तरीके से दो लोगों के बीच में जब एग्रीमेंट होकर के आप बिजनेस को चलाते हो, तो उसे हम पार्टनरशिप बोलेंगे। पार्टनरशिप में किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता जो है बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है, कि आपको करवाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो डेफिनेटली कंपनीज एक्ट 2013 जो है एक तरीके से कंपनी को एक तरीके से रेगुलेट करता है, वेयर एज अगर हम बात करें पार्टनरशिप का, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932, देखो 1932 मतलब आजादी के पहले का एक्ट है, वो एक तरीके से इसको मैनेज करता है, ठीक है ना। तो दोनों के लिए दो अलग अलग एक्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं। लीगल स्टेटस क्या है भाई? तो यहाँ पे कंपनी का जो स्टेटस होता है वो इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस होता है ना। कंपनी जो होती है वो अपने जो उसके जो कर्ता धर्ता है, जो ओनर्स है, उनसे वो अलग हो जाती है ना। कंपनी अलग होती है, उनका शेयर बस उतना ही होता है जितने पैसे उन्होंने कंपनी में लगाए हुए होते हैं, मतलब उनका कैपिटल है ना। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस होता है। वेयर एज अगर पार्टनरशिप की बात करें, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस नहीं होता, पार्टनरशिप दो लोगों के बीच में ही होता है, इसे हम कंपनी नहीं बोल सकते, राइट। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज मेंबरशिप। कितने मेंबर्स होंगे प्राइवेट में, पार्टनरशिप में या कंपनी में? तो कंपनी में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मिनिमम 2 नंबर और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं प्राइवेट के केस में, और पब्लिक के केस में, पब्लिक मतलब जो सरकारी कंपनियां होती हैं, वहां पे मिनिमम 7 लोग हो सकते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स जो है हो सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, प्राइवेट के लिए मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, पब्लिक के लिए मिनिमम 7 और मैक्सिमम कुछ भी, ठीक है। पार्टनरशिप में मिनिमम जो है कम से कम 2 लोगों का होना इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप का मतलब ही है कि पार्टनर, ठीक है ना, तो कम से कम 2 लोग तो चाहिए। और मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम हो सकता है बैंकिंग बिजनेस में 10
और अदर बिजनेस में 20, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। मैं फिर से बता देता हूँ, मेंबरशिप के केस में पब्लिक कंपनी में, पहले प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट कंपनी में पहले 2 लगेंगे मिनिमम, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होंगे, मैक्सिमम कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। वैसे अगर पार्टनरशिप की बात करें तो मिनिमम 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए। बैंकिंग बिजनेस में 10 लोग हो सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम, और अदर केसेस में मैक्सिमम 20 तक ये संख्या जा सकती है, ठीक है। ओनर्स लायबिलिटी क्या होती है? जो ओनर की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है कंपनी में, क्योंकि वहां पे जो वो उनका उनको लाइक उतनी उनकी लायबिलिटी होती है जितना पैसा वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या उनको देना कंपनी को बाकी होता है, वो सिर्फ उतनी ही लायबिलिटी उनकी होती है। पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो लेकिन अनलिमिटेड होती है, यहाँ पे कोई हिसाब किताब नहीं है, बहुत ही ज्यादा अनलिमिटेड होती है। अगर आपकी कंपनी बंद हो जाती है तो हो सकता है कि आपको अपने पर्सनल एसेट को भी बेच करके कंपनी के जो यू नो डेट्स है उसको चुकाना आपको पड़े, ठीक है ना। छठा पॉइंट है बेसिस फॉर प्रॉफिट शेयरिंग। तो शेयर्ड बाय ओनर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, है ना। तो जितने पैसे वो लोग लगाते हैं बिजनेस में उतने ही पैसे का जो है उनको बेनिफिट जो है मिलता है, उनको जो है प्रॉफिट मिलता है। वेयर एज अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो शेयर्ड बाय पार्टनर्स एज पर एग्रीमेंट, यहाँ पे एग्रीमेंट की बात यहाँ पे बोली जा रही है। जितना ओनर्स के पास प्रोपोर्शन उनके पास होता है उतनी उनको यहाँ पे यू नो उनको जो है सैलरी आई मीन प्रॉफिट मिलता है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, पार्टनरशिप में एज पर एग्रीमेंट जो है वो होता है। सातवां नंबर पॉइंट है बिजनेस स्टेबिलिटी, है ना। तो परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल का मतलब क्या हो गया? ऐसा चीज जो कि कॉन्टिन्यूस चल रहा है ना, जिसका असर जो है किसी भी आउटकम किसी भी चीज के होने से नहीं होता। जैसे कि किसी की डेथ हो गई है ना, इंसॉल्वेंट हो गया कोई पार्टनर मेंबर, तो उस केस में भी बिजनेस जो है कभी भी बंद नहीं होगा, बिजनेस हमेशा जो है वो चलता रहेगा। तो बिजनेस स्टेबिलिटी जो है कंपनी में वो ज्यादा सही है, वो खत्म नहीं होती, वो हमेशा चलती रहती है। वैसे अगर पार्टनरशिप की बात करें तो ये एकदम ही एक तरीके से डिपेंड करता है लाइफ पे, इंसॉल्वेंसी पे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स पे, क्योंकि कोई एक पार्टनर की भी अगर डेथ हो गई तो हो सकता है कि पार्टनरशिप बंद हो जाए, है ना। इंसॉल्वेंट अगर कोई हो गया तो हो सकता है पार्टनरशिप बंद हो जाए। तो ये एक तरीके से कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है इन सारी चीजों के ऊपर। वेयर एज अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी जो होता है वो पार्टनर से अलग होता है, तो वहां पर उसके साथ कुछ भी हो जाए, पार्टनर नहीं मेंबर से अलग होता है, उसके साथ कुछ भी हो जाए कंपनी उस केस में बंद नहीं होगी। आठवां नंबर होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कंपनी में जो है शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं, इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, बट पार्टनरशिप के क्षेत्र में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप अपना शेयर किसी को दोगे इसका मतलब आप कंपनी के मेंबर नहीं रहे, आप पार्टनर नहीं रहे, पार्टनर कोई और हो गया, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। पार्टनर का मतलब है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जो है दो लोगों के बीच में होगा, तो यहाँ पे एक तरीके से आप ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने इंटरेस्ट को, राइट। नाउ 9 नंबर पॉइंट ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। तो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स की जब भी बात की जाती है तो आपको याद रखना होगा कंपनी के केस में ऑडिटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप के केस में नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन कंपनी में आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अथॉरिटी ऑफ मेंबर्स क्या होगा? शेयर होल्डर्स इज नॉट एन एजेंट ऑफ द कंपनी एंड हैज नो पावर टू बाइंड द कंपनी बाय हिज एक्ट, है ना। तो शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का एजेंट नहीं होता और ना ही उसके पास ये पावर है कि वो एक तरीके से कंपनी किस तरीके से काम करेगी उसका कंट्रोल जो है उस शेयर होल्डर के पास हो, ठीक है ना। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करते हैं। पार्टनरशिप इज एन एजेंट ऑफ द फर्म। पार्टनर जो होते हैं वो एजेंट होते हैं फर्म्स के, तो उनके पास एक तरीके से पावर्स होती हैं कि पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस डिसीजन में वो लोग जो है अपना सहयोग वो लेते हैं। 11वां नंबर पॉइंट है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पावर्स। सो रिस्ट्रिक्शन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर इफेक्टिव एज अगेंस्ट द पब्लिक एज दे आर पब्लिक डॉक्यूमेंट, है ना। तो जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं वो आपको फॉलो करते हैं करने पड़ते हैं कंपनी के केस में, जो भी आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता होगा आपको उसके अकॉर्डिंग जो है चलना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है काम करना होगा, क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट एक तरह से हो जाता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन होती है, है ना। नाउ रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टनर कंटेन्ड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, है ना, आर ऑफ नो अवेल अगेंस्ट द आउटसाइडर्स। यहाँ पे जो बात बोली गई ये बात ये है कि पार्टनरशिप अकाउंट में हो सकता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस किसी पार्टनर के ऊपर लगाए गए हो, बट वो एग्रीमेंट में मेंशनड होगा कि क्या क्या मतलब एक तरीके से उसके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। अगर कुछ मेंशनड नहीं है तो फिर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन जो है किसी के ऊपर भी नहीं होता है, ये आपको पता रखना है। 12वां नंबर पॉइंट है वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के केस में मतलब जब कंपनी बंद होती है, जब कंपनी बंद होती है तो उस केस में आपको कानून के तहत, चूंकि वो बनी थी तो आपको बंद भी उसको कानून के तहत ही करना होगा, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है। पार्टनरशिप में आपको मर्जी है बंद करने की, आप बंद कर दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से काम करता है। वाइंडिंग अप में एक्ट के तहत आपको बंद करना होगा, पार्टनरशिप में एक्ट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए आखिरी पॉइंट इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी क्या होता है? मतलब जो
को जब कोई पार्टनर या मेंबर अपने पैसे नहीं चुका पाता, उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो उसे हम कहेंगे इंसॉल्वेंसी. सो वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, इंसॉल्वेंट कंपनी डज नॉट मेक इट्स मेंबर्स इंसॉल्वेंट. तो किसी भी कंपनी का जो कि इंसॉल्वेंट हो गया है, उसको अगर हम बंद कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि जो उसके मेंबर्स होते हैं, जिन लोगों ने उनको स्टार्ट करा था उस कंपनी को, वो भी इंसॉल्वेंट हो गए. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंपनी अपने ओनर से अलग हो जाती है ना, कंपनी जो है अपने ओनर से अलग होती है. तो कंपनी के साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है, कंपनी अगर बंद हो रही है, उसका ओनर्स के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा. बट लेकिन अगर पार्टनरशिप के केस में इंसॉल्वेंट हो जाता है पार्टनरशिप फर्म, तो उसका कि मींस इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कि अब जो पार्टनर्स हैं उनके पास अब पैसे नहीं है कि वो जो है पैसे यहाँ पे लगा पाए और इन्वेस्टमेंट कर पाए. ठीक है ना, यहाँ पे पार्टनर्स के पास से ही पैसे सारे निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी तो है नहीं कि ये इंडिपेंडेंट होगा, ये डिपेंडेंट होता है. राइट, सो दीज आर द 13 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड बहुत ही इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे सजाया गया था, और मुझे ये वीडियो बहुत अच्छा लगा बना करके भी. आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे मैंने ये डिफरेंस बताया है. अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें यार, इसको लाइक करें ज्यादा से ज्यादा, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलें हमारे चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए. साथ ही साथ मैं इनकरेज करना चाहूंगा आपको हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को लेने के बारे में, ताकि आप हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकें. बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे. इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, इग्नू बीकॉम में आना है, और उसके बाद फिर इस ज्वाइन वाले बटन को क्लिक करके हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर लेना है. राइट, सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखिए. बाय बाय, थैंक यू.